हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस सी अकेडमी। आई एम सिद्धि और आज की मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग फैक्ट लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, आप लोगों ने जनरली नोटिस किया होगा कि जब हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को ओलंपिक मेडल्स मिलते हैं तो वो मेडल रिसीव करते ही उसे बाइट करते हैं। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि यार इतनी मेहनत से इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, उसे रिस्पेक्ट करने की बजाय, उसे इज्जत देने की बजाय ये मेडल रिसीव करते ही उसे बाइट करके देख रहे हैं। तो मैं आपको रीजन बताती हूँ कि जो हमारे ओलंपिक विनर्स होते हैं वो मेडल रिसीव करते ही उसे बाइट क्यों करते हैं। वो उसे बाइट करते हैं उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि वो वाकई में सोने का है या नहीं है। जब उस मेटल को बाइट किया जाता है, अगर बाइट करने पर उसके ऊपर आपके टीथ के इम्प्रिंट्स आए, इसका मतलब वो प्योर है, क्योंकि गोल्ड जब प्योर होता है तो वो एक सॉफ्ट मेटल होता है और सॉफ्ट मेटल होने की वजह से उसके ऊपर आपके दांतों के निशान आएंगे। और अगर उसमें मिक्सिंग की गई है या फिर उस मेटल के ऊपर प्लेटिंग की गई है तो जब आप उसे बाइट करेंगे तो वो जो प्लेटिंग है वो हल्की हल्की आपके बाइट के साथ उतरेगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये नकली है और ये फेक गोल्ड मेडल है। तो इसीलिए हमारे जितने भी ओलंपिक विनर्स हैं वो मेडल रिसीव करते ही उसे बाइट करते हैं। आई होप आप लोगों को फैक्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन और देखते रहिए एससी अकेडमी की सारी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।